ओके, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शानज़े बुखारी। सो आई विल स्टार्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स। आई एम वेटिंग फॉर मोर पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन मी, सो ज्वाइन मी एज़ सून एज़ पॉसिबल। ओके, सो बेसिकली मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बेसिकली फ्रॉम द HPA सोसाइटी, यानी हेल्थ फिजियो एसोसिएशन, गिविंग मी चांस टू कंडक्ट अ लाइव सेशन ऑन फ्रोजन शोल्डर। थैंक यू सो मच फॉर HPA टीम, स्पेशली डॉक्टर हलीमा सादिया एंड हर टीम, कि उन्होंने हम स्टूडेंट्स को जो है वो मौका दिया है ताकि हम लोग जो है अपने स्किल्स को यहाँ पर शो कर सकें एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है वो इन्हेंस कर सके। सो बेसिकली आज जो मेरा सेशन होगा वो फ्रोजन शोल्डर पे होगा। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चलूँ कि आई एम शानज़े बुखारी, आई एम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर एज वेल ऑन द इंस्टाग्राम एंड ऑन द FB पेज, एंड ऑल्सो आई एम द हेड ऑफ द MTM सोसाइटी। बेसिकली मैं आज जो सेशन दूँगी वो फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसा हमारे पास, मतलब कि एक कह लें कि कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, कि हमने सुना है कि बहुत सारे लोगों से कंधा जाम हो जाता है। मेरा कंधा जो है ना वो हरकत नहीं कर पा रहा, एक ही जगह ज़्यादा, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन आ गई है। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग किस तरह जो है ना वो फ्रोजन शोल्डर से बच सकते हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं जो हम लोग अपनी आम रूटीन की लाइफ में करते हैं, फिर हम डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो बेसिकली आज और डिटेल्स अबाउट फ्रोजन शोल्डर के बारे में डिस्कशन की जाएगी। सो विल स्टार्ट आफ्टर 2 मिनट्स। आप में से प्लीज़ कोई मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर है और वीडियो क्लियर है आपको, सबको ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है, बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ परफॉर्म भी करूँगी, एक्सरसाइज और कुछ ऐसी चीज़ें परफॉर्म भी करूँगी कि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल जाए कि प्रैक्टिकली वो चीज़ें किस तरह नज़र आती हैं और उसको कैसे जो है हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ओके, सो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं, काइंडली आप में से मुझे कोई एक बता दे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच मोहम्मद अशरफ, वॉइस भी क्लियर, ऑडियो भी क्लियर है। तो विल स्टार्ट कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर आम लफ्ज़ों में अगर बात की जाए तो वो हम कहते हैं कि कंधा जाम, मेरा कंधा जाम हो चुका हुआ है। अब क्या होता है, कुछ ऐसी तकलीफ़ है जो कि शोल्डर की हैं, वो कैसे फ्रोजन शोल्डर से डिफरेंस है, यानी डिफ्रेंशिएशन भी हम लोगों ने देखनी है। अब ये नहीं कि अगर मेरे कंधे में पेन हो रही है, मेरे शोल्डर में पेन हो रही है, ठीक है, शोल्डर में पेन हो रही है, तो उसकी वजह से अगर मैं कह दूं कि मेरा फ्रोजन शोल्डर है तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। पहले हमें जो है वो कॉज, सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स को देखना है, फिर डायग्नाइज करना है कि क्या वाकई ये फ्रोजन शोल्डर है कि नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि फ्रोजन शोल्डर हमारे पास क्या है। तो फ्रोजन शोल्डर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि फ्रोजन शोल्डर का दूसरा नाम होता है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। एडिसिव कैप्सुलाइटिस का मतलब, कैप्सुलाइटिस का मतलब यहाँ पे हमारे पास है कैप्सूल, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, पेनफुल, एक वर्ड पेनफुल, बहुत शदीद पेन आती है, ठीक है। इसमें हमारे पास लॉस हो जाती है शोल्डर मूवमेंट्स, शोल्डर की जो मूवमेंट्स है वो लॉस्ट हो जाती है, वो एक्टिव हो या फिर पैसिव हो, दोनों तरह की जो मूवमेंट्स है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कि इसको एडिसिव कैप्सुलाइटिस क्यों कहा जाता है। सो बेसिकली इसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास जो कैप्सूल है, बेसिकली जो शोल्डर है वो क्या है कि हमारे पास जो ग्रेडल है, ठीक है, उसके अंदर हेड ऑफ ह्यूमरस को इंसर्ट किया हुआ है। तो जब हमारे पास मूवमेंट होती है तो ये वाली मूवमेंट, इस तरह हमारे पास जो ये कैप्सूल है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस है, तो ये मूव करता है, ठीक है। और हमारे पास ये साइनोवियल ज्वाइंट है, साइनोवियल ज्वाइंट जिसके पास फ्लूइड भी होता है, ठीक है, ताकि उसको हम फ्रिक्शन से बचा सके,
फ्रिक्शन से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इसके अंदर फ्लूइड भी रखा हुआ है। जाहिर सी बात है, जब भी मूव करता है तो हो सकता है चांसेस है कि आपस में रगड़ खा ले, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इनके दरमियान में फ्लूइड रखा हुआ है जो कि इसको फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है, तो ये कैप्सूल क्या होने लग पड़ता है कि रिपीटेड स्ट्रेन की वजह से हम बार बार कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे वहाँ पर जो है बार बार रगड़ आने की वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाती है। जब हमारे पास इन्फ्लामेशन वहाँ पर होना स्टार्ट होती है तो फाइब्रोसिस हो जाता है। ठीक है, फाइब्रोसिस टीयर वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो कैप्सूल होता है ना वो थिक होने लग पड़ता है और टाइट होने लग पड़ता है। थिक और टाइट की वजह से जब कैप्सूल इतना ज़्यादा थिक और टाइट हो जाएगा ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैप्सूल एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो जाएगा, थिक और टाइट कैप्सूल की वजह से, और वहाँ पे मूवमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। लाइक ये देखे ना, यहाँ से मेरा कैप्सूल टाइट हो गया तो मैं मूव नहीं कर पाऊँगी। जाहिर सी बात है, ये जो मेरा शोल्डर जॉइंट है इसी ने ही मूवमेंट करवानी है, तो जब ये ही टाइट और थिक होगा तो मूवमेंट कैसे हो पाएगी, मूवमेंट क्या होती जाएगी, लॉस्ट होना स्टार्ट होने लग पड़ेगी। उसके बाद स्टिफनेस आना स्टार्ट हो जाती है, स्टिफनेस। ठीक है, अब मैं आप लोगों को साथ साथ पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, तो मैंने लैपटॉप ओपन कर लिया, इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, डेमोंस्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगी कि किस तरह हमारे पास ये सब कुछ होता है। तो स्लाइड्स भी हैं मेरे पास, पिक्चर्स भी हैं, प्लस रिटर्न फॉर्म में भी मेरे पास है। आपको तीनों चीज़ें अपलोड कर दी जाएगी ऑन द पेज ऑफ HPM, और उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपलोड कर दी जाएगी। सो बेसिकली अब ये किस किस वजह से होता है, इन्फ्लामेशन हुई, फिब्रोसिस हुआ, ये स्कैरिंग हुआ। ठीक है, इस वजह से हमारे पास जो है ना ये फ्रोजन शोल्डर आ जाता है। पहली बात कि आपको अपनी रेंज ऑफ मोशंस को चेक करते रहना चाहिए कि आया कि आपका शोल्डर सही तरह परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं, आप सही तरह फ्लेक्शन कर पा रहे हैं, आप सही तरह एक्सटेंशन कर पा रहे हैं, आप क्या सही तरह एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी मोशन में रुकावट आ रही है तो फिर आपको देखना चाहिए है कि ये कौन सी पेन की वजह से हो रहा है, क्योंकि कुछ हमारे पास जैसे रोटेटर कफ इंजरी है ना, वो भी इससे ही रिलेटेड थोड़ी बहुत है, लेकिन रोटेटर कफ इंजरी में हमारे पास रोटेटर कफ मसल्स ऑफ शोल्डर्स आ जाते हैं। ठीक है, और उसमें हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटी तक जो है ना वो इंसान थोड़ा बहुत हरकत कर सकता है। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसके थ्री फेजेस है। पहला फेज हमारे पास जो है वो फ्रीजिंग फेज है, दूसरा फ्रोजन फेज है, और तीसरा रिकवरी फेज है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती चलूँ कि हमारे पास जो फ्रोजन है और जो नॉर्मल शोल्डर है वो किस तरह दिखाई देता है। सो आई विल शो यू, ओके सो ये देखें ज़रा, हमारे पास पिक्चर्स मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ, आप लोग पिक्चर्स देखेंगे नॉर्मल और फ्रोजन शोल्डर की, तो आप लोगों को ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि नॉर्मल शोल्डर किस तरह दिखता है और फ्रोजन शोल्डर किस तरह दिखता है। अगर आप ये देख सके, अगर आप लोगों को पिक्चर व्यू हो रही है, नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए, ये आपके पास है नॉर्मल शोल्डर की एनाटॉमी। ठीक है, देखिए नॉर्मल शोल्डर है, कैप्सूल इलास्टिक है आपके पास, अलाउ कर रहा है मूवमेंट को। ठीक है, मोशन ईजिली हो सकती है, यहाँ पे कोई भी इन्फ्लेमेशन नजर नहीं आ रही, दिस इज नॉर्मल शोल्डर जॉइंट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को, ये आपके पास क्या है, नॉर्मल शोल्डर जॉइंट है। इसके साथ ही अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास अगर फ्रोजन शोल्डर हो जाए तो फ्रोजन शोल्डर किस तरह होगा, नाउ यू कैन सी कि आपके पास कैप्सूल थिक होता जा रहा है। ठीक है, इन्फ्लामेशन होती जा रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैप्सूल आपके पास टाइट होता जा रहा है। ये रेड कलर का इंडिकेशन दिखा रहा है कि आपके पास यहाँ पे जो शोल्डर जॉइंट वो उसमें कितनी ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हुई है। ठीक है, नॉर्मल शोल्डर अभी आपने देखा और ये अभी हमारे पास था फ्रोजन शोल्डर, यहाँ पे थिकनिंग हो चुकी हुई है कैप्सूल की, थिक हो चुका हुआ है कैप्सूल। ठीक है, ये हमारे पास पिक्चर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊँ, कैविटी से दिखाऊँ, तो ये देखें ज़रा, ये हमारे पास क्या है कि यह फ्रोजन शोल्डर हो चुका हुआ है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस का नाम देते हैं। यानी यहाँ पे कैप्सूल थिक और टाइट हो चुका हुआ है, इन्फ्लामेशन उसमें हो चुकी हुई है, अब हमारे पास मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि थ्री फेजेस मैंने आपको बताएं कि इसके थ्री फेजेस होते हैं। एक फेजेस फ्रीजिंग फेज होता है,
दूसरा हमारे पास फ्रोजन फेज होता है, तीसरा रिकवरी फेज होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास मंथ, कुछ मंथ से लेकर कुछ ईयर तक ये फेजेस चलते हैं। आमतौर पे जो फर्स्ट फेज होता है ना, उसमें पेशेंट को इतनी जल्दी पता नहीं चलता आया कि ये फ्रोजन शोल्डर है, कौन सी पेन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिथ पाई जाती है पेन होनी हो रही है ना, अगर उनको किसी फॉल या टीयर की वजह से पेन हुई, वो कहते हैं मूवमेंट स्टार्ट कर दो, यहाँ पे हरकत होनी खत्म हो जाएगी। हम लोगों की माएँ क्या करती हैं, हम कहना यहाँ पे मुझसे हिला नहीं जा रहा, मेरे यहाँ पे इस तरह हो रहा है, तो वो फौरन क्या करेंगे, गर्म कपड़े लेके आएंगे और यहाँ पे लगाना शुरू कर देंगे। अब अंदर इन्फ्लामेशन हो सकती है, अगर सूजन हुई है उसके ऊपर कैसे हीटिंग पैड अप्लाई किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और फर्स्ट स्टेज हो हमारे पास से फ्रोजन शोल्डर की, इन्फ्लामेशन को तो हम कोल्ड थेरेपी से जो है वो कर सकते हैं, कोल्ड पैक इस्तेमाल करने से कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखना है कि आप कौन से स्टेज में लाए करते हैं, उस स्टेज के लिहाज से एक्सरसाइज है, उस स्टेज के लिहाज से ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो बेहतर ये है कि आप ऊपर आजमाने, एक्सपेरिमेंट्स करने की बजाय आप किसी फिजिशियन को, किसी फिजियोथेरेपिस्ट को चेक करें। अगर आप उनको नहीं चेक करवा सकते तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि आप घर में रह के भी जो है ना वो देख सकते हैं कि मुझे फ्रोजन शोल्डर है कि नहीं है, ठीक है। तीन स्टेजेस मैंने आपको बताई। सबसे पहले आ जाती है फ्रीजिंग फेज, जो कि पेनफुल होती है, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है। जाहिर सी बात है, जब भी हमें कोई डिजीज़ या बीमारी होती है तो उसमें पहले ही हमारे पास जो इंडिकेशन आती है वो यही आती है कि पेन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। पेन इतनी ज़्यादा होती है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, और ये जैसे जैसे आप मूवमेंट करते हैं ना तो पेन और ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है। लाइक अगर आप इस शोल्डर को, जिस शोल्डर, जो शोल्डर आपका इफेक्टिव है वहाँ पे आप मूवमेंट करेंगे तो आपके पास ज़्यादा क्या होने स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे पेन होनी स्टार्ट हो जाएगी। और आम तौर पे ऐसे पेशेंट जिनको फ्रोजन शोल्डर है फर्स्ट स्टेज पे, उनको नाइट में बहुत ज़्यादा पेन होती है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बात कह दी कि नाइट में बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो आपने ये माइंड में रखना है, ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे फर्दर आगे जाती जाऊँगी बताती जाऊँगी। अब हमारे पास आ जाता है कि नाइट में पेन मेरे पास ज़्यादा हो रही है, फर्स्ट स्टेज में पेन भी बहुत ज़्यादा है और पेशेंट भी बहुत ज़्यादा हुई होती है, ठीक है। पेशेंट इस वजह से मूव सही तरह नहीं कर पाता, फिर फ्रोजन शोल्डर आ जाता है, जिसको स्टिफनेस कहते हैं, कि पेन थोड़ी लेस हो जाती है, पेन थोड़ी लेस होना स्टार्ट हो जाती है, बट वहाँ पे स्टिफनेस है शोल्डर जॉइंट में वो ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास रेंज ऑफ मोशन जो शोल्डर जॉइंट का होता है वो लॉस्ट होना स्टार्ट होने लग पड़ता है, और ये लास्ट करता है अप टू वन ईयर तक। फिर लास्ट पे हमारे पास रिकवरी फेज आ जाता है, जो कि हमारे रिकवर करना, खुद ब खुद रिकवर होना स्टार्ट होने लग पड़ता है, जो कि 3 ईयर्स भी ले सकता है। अगर आप पहले इसका ट्रीटमेंट करवाएं, प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवाएं, तो आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट के थ्रू इसको जो है पहली स्टेज से ही ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप इसको कैसे ओवरकम करेंगे। अब कुछ कॉजेज आते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फ्रोजन शोल्डर है, लाइक किस तरह, किस किस डिजीज़ में आप कह सकते हो कि मुझे फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो दो तरह के, एक तो शोल्डर रिलेटेड, शोल्डर जॉइंट पे फ्रोजन शोल्डर होता है शोल्डर रिलेटेड, और कुछ नॉन शोल्डर रिलेटेड भी होते हैं। अच्छा, शोल्डर रिलेटेड तो हमें डिजीज़ का बहुत ज़्यादा पता होता है, लेकिन नॉन शोल्डर रिलेटेड का नहीं पता होता कि इसमें कॉजेज कौन कौन से आते हैं। सो बेसिकली अगर मैं पहले शोल्डर रिलेटेड का बताऊँ ना, तो उसमें बस ट्रॉमा आ जाता है फॉल वगैरह की वजह से, फिर रोटेटर कफ इंजरी आ जाती है, ठीक है। रोटेटर कफ इंजरी की वजह से भी आमतौर पर रोटेटर कफ इंजरी में पेशेंट इतना बेड रेस्ट करते हैं कि वो फ्रोजन शोल्डर की तरफ जाना स्टार्ट करने लग पड़ता है। उसके बाद ओवर यूज़ या फॉल्टी मोमेंट्स की वजह से, या मैं इसी बाजू से काम कर रही हूँ तो मुसलसल करती जा रही हूँ, और या फिर कोई ऐसी मूवमेंट कर रही हूँ जो सही तरह मैं परफॉर्म नहीं कर रही हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है पुअर स्लीपिंग पोस्चर। हम जनाब, हम लोग तो मतलब कह लो कि वो आवाम है जो जहाँ जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रह जाएंगे, जहाँ खड़े हैं वैसे खड़े रह जाएंगे, जहाँ पे झुके हैं वैसे ही झुके रह जाएंगे, और जहाँ पे लेटे हैं वहीं के वहीं लेटे रहेंगे, ठीक है। हमें इससे लेना देना नहीं हम किस पोस्टर में बैठे हुए हैं, हमारा पोस्टर क्या आया कि हम लोग ठीक बैठे हुए, ठीक लेटे हुए, ठीक खड़े हुए कि नहीं, इससे हमें लेना देना नहीं है। भाई हम सुकून से बैठे हैं, यहाँ पे हमें कोई काम नहीं कह रहा, तो यहाँ पे आराम से बैठे रहे, तो ये बहुत गलत बात है। तो इसकी वजह से भी हमारे पास जो है वो आ सकता है, ये भी इसके कॉज में आ सकता है। अब डायबिटीज आ जाता है मेजर कॉज। बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट हैं जिनको फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम रहता है बहुत ज़्यादा। 60-70% ऐसे पेशेंट हैं जहाँ है कि डायबिटीज़ के पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर हो गया। अब वो क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो हमारे पास थायराइड की वजह से भी होता है, ठीक है, रेफर्ड पेन की वजह से भी होता है, पेन कुछ और, कॉज कुछ और पेन कहीं और हो, इस वजह से भी हमारे पास इसे रेफर्ड पेन कहा जाता है। या फिर स्लिंग यूज़, प्रोलॉन्ग स्लिंग यूज़ की वजह से भी होता है।
फिर हो तो हमने काफ़ी देर तक जो है ना वो स्लिंग को यूज़ किया हो तो उसकी वजह से भी हमें फ्रोजन शोल्डर या मसल वीकनेस हो गई हो, शोल्डर पे मसल्स पाए जाते हैं उनकी वीकनेस की वजह से भी हमारे पास फ्रोजन शोल्डर होता है। नाउ कम टू द ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या क्या किया जा सकता है, ये तो सारी हिस्ट्री हमने पढ़ ली ना, फ्रोजन शोल्डर ऐसे होता है, इसके ये फेजेस होते हैं, ये कॉजेज होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, ट्रीटमेंट हमारे पास इसमें आ सकता है कि हम एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन की तरफ, ड्रग्स की तरफ जा सकते हैं, फिजिकल थेरेपी करवा सकते हैं, इंजेक्शंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं या फिर मैनिपुलेशन अंदर एनाथीजिया जा सकता है। बेसिकली आई एम फिजिकल थेरेपिस्ट सो आई विल टेल अबाउट फ्रोजन शोल्डर अकॉर्डिंग टू माई फील्ड। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें जो है ना वो टेस्ट करवा सकते हैं, बहुत सकते हैं। इसमें आपके पास स्लैब टेस्ट आ जाता है, ड्रॉप आर्म टेस्ट आ जाता है, नियर टेस्ट आ जाता है, ठीक टेस्ट आ जाता है। अब मैं इसमें से एक टेस्ट ही परफॉर्म करवाऊंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि हम किस तरह, हमें पता चल जाता है एप्रीहेंशन टेस्ट करने से कि फ्रोजन शोल्डर है। ठीक है, एप्रीहेंशन टेस्ट सिटिंग स्टैंड, ठीक है, इसमें आपने एक हैंड स्कैपुला पे रखना है फोर के वो मूव ना करें, ठीक है, स्टेबल करने के लिए। दूसरा जो है वो आपने एबडक्शन करवानी है 90 डिग्री और एक्सटर्नली रोटेट करवाना है। अगर पेशेंट को पेन आ रही हो, इट्स मीन पॉजिटिव है, बस अगर एक्सटर्नल रोटेशन लिमिटेड हो रही है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव है, वहाँ पे फ्रोजन शोल्डर हमारे पास है। ठीक है, तो ये हमारे पास एप्रीहेंशन टेस्ट है। चले इसको फिर परफॉर्म करके दिखाते हैं। ओके, एक और आंसर मैं ज़रूर दूंगी पर एट द एंड ऑफ द सेशन दूंगी, अभी मुझे अपना टॉपिक कंप्लीट करने दे क्योंकि अभी मैं स्टेप बाय स्टेप मूव कर रही हूँ। आई एम ऑन द टेस्ट सेशन के टेस्ट हम कौन कौन से कर सकते हैं। तो एप्रीहेंशन टेस्ट होगा, आ जाए मैं आप पे परफॉर्म करके दिखाती हूँ कि आपने किस तरह करना है। सपोज ये हमारे पास पेशेंट है, ठीक है, अब हमने इस पे क्या परफॉर्म करना है, एप्रीहेंशन टेस्ट परफॉर्म करना है। तो मैंने क्या बताया था कि आपने पेशेंट को बैठाना है, सिटिंग में भी कर सकते हैं बिल्कुल सीधा, और हम इसको स्टैंडिंग में भी करवा सकते हैं। इधर मैं आपको सिटिंग में करके बता रही हूँ कि हमारे पास, क्योंकि स्टैंडिंग में हम नज़र नहीं आएंगे, तो आपने क्या करना है, एक हाथ आपने ऑन द स्कैपुला रखना है एडजस्टमेंट के लिए कि वो आपके पास रोटेट ना करे। दूसरा आपने क्या करना है, इसको 90 डिग्री जो है ना, आपने इसको 90 डिग्री, ठीक है, अब मैं इसको लेके जाऊंगी तो ये कैमरे से बाहर जा रही है, 90 डिग्री एबडक्ट करवाना है। ठीक है, 90 डिग्री एबडक्ट करवाया, फिर आपने इसको पैसिव एक्सटर्नली रोटेट करवाना है। ठीक है, जब मैं करवाऊंगी तो आप देखें कि पेशेंट को पेन आ रही है, जैसे मैं एक्सटर्नल रोटेशन करवाने लगती हूँ ना शोल्डर को, तो पेशेंट को पेन आनी स्टार्ट हो जाती है। अब आप ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर जो पेशेंट है ना उसके मुंह पे आप देख सकते हैं, उसके जो फेस है ना उस पे आ सकता है पेन वाली शक्ल बना के दिखाओ। ये देखिए, उसको जैसे मैं पीछे लेके जा रही हूँ तो उसको पेन आ रही है, तो इसका मीन के हमारे पास क्या है, फ्रोजन शोल्डर है, तो इस वजह से इसको क्या आ रही है, पेन आ रही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया है कि अकॉर्डिंग टू स्टेजेस भी बताएं, तो अकॉर्डिंग टू स्टेजेस अगला मेरा पॉइंट है कि हम ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेजेस कैसे कर सकते हैं। स्टेज वन में क्या था, हमारे पास फ्रीजिंग फेज था। ठीक है, अब फ्रीजिंग फेज आपके पास वो है जो पेनफुल है, तो इसमें आप कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं करवा सकते, ज़्यादा पेन आ सकती है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप क्या करें, या तो अपने सेट्स का इस्तेमाल करें यानी एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल करें, या फिर पेंडुलम एक्सरसाइज करवाएं, या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी का इस्तेमाल करें कि जहाँ पे पेन है वहाँ पे ऐसी आप लोग जो इलेक्ट्रोथेरेपी के जरिए उस पेन को कम करें, ठीक है, ना कि ज़्यादा करें। समटाइम्स क्या होता है, पेशेंट को पेन होता है, हम उस पर ऐसी चीज़ें एक्सरसाइज अप्लाई करने लग पड़ते, तो वो ज़्यादा पेन निकल आती है, वो अगले दिन आता है वो और बेचारा मतलब कि पेन से निढाल हुआ होता है। तो आपने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी फर्स्ट स्टेज में जिससे उसे पेन ज़्यादा हो, ऐसे एक्सरसाइजेज हार्ड नहीं करनी। हाँ, अलबत्ता अगर आप करवाना चाहें तो आप पेंडुलम एक्सरसाइज करवा सकें, वो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। उसमें क्या करना है, आपने पेशेंट को खड़ा करना है, खड़े हो जाओ, और एक बाजू उसका स्पॉटेड होगा, किसी भी चीज़ पे स्पॉटेड हो सकता है, और थोड़ा सा उसने बैंड होना है, पीछे से जाके थोड़ा सा बैंड, जी थोड़ा सा बैंड ऐसे, और बाजू, बस बाजू नज़र आया आपका, ये देखो आगे आओ थोड़ा, ये देखिए बाजू ऐसे होगा, पेंडुलम होगा, ठीक है, और अपने पाँव की रेंज में उसे कहना है कि एक जड़क देना है, जब उसे जड़क देंगे तो उसका बाजू जो है वो पेंडुलम नहीं मूव करने लग पड़ेगा, जड़क दे के छोड़ देना, फिर वो मूव करता रहेगा, ठीक है, और फिर जब तक वो दोबारा अपनी पोजीशन पर रुक नहीं जाता तब तक आपने उसको ज़्यादा जो है वो नहीं करना, ठीक है,
ज़्यादा मूव नहीं करना है, जड़ के बाजू से छोड़ देना है, वो मूव होता हो तो अपनी पोजीशन पे वापस आके रुक जाएगा। ठीक है, क्लॉक वाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज भी कर सकते हैं, और आप इसको जो है ना वो साइड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने पेंडुलम एक्सरसाइज में आ जाता है। स्टेज टू में आप रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएं जो शोल्डर की हमारे पास है, जिसमें फ्लेक्शन आ जाती है, एबडक्शन आ जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है वो आप मोबिलाइजेशन करवाएं स्टेज टू में, क्योंकि स्टेज टू में हमारे पास क्या होता है कि स्टिफनेस आ जाती होती है, पेन चली जाती होती है। ओके मोहम्मद सुहेल, मैं आपको स्टेज वाइज बता रही हूँ। स्टेज वन में हमारे पास फ्रीजिंग है, पेन बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेमेशन हो रही है। आप कोल्ड पैक को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड पैक सोने से पहले 10 मिनट लाजमी कोल्ड पैक लगाएं। कोल्ड पैक लगाने से आपकी इन्फ्लेमेशन जो है वो थोड़ी सी कम होगी, उसकी वजह से आप रात को आसानी से सो सकते हैं। आप फिर क्या कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ऐसी ले सकते हैं पेन किलर जिसके ज़रिए आपको रिलीफ मिल सकता है। उसके बाद आप इलेक्ट्रोथेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी आप लोग डिफरेंट यूज़ करते हैं फॉर द रिलीफ ऑफ पेन, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो या फिर आप पेंडुलम एक्सरसाइज करवा सकते हैं पेशेंट को। पेंडुलम एक्सरसाइज बेसिक एक्सरसाइज होती है। ठीक है, आपने स्पॉट कर देना एक हाथ जो आपके पास इफेक्टिव है ना, उसको आपने कहना है कि आप थोड़ा सा मतलब उसे कहना है थोड़ा सा जग के बाद ना उसे वहाँ पे छोड़ देना, वो वहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ऐसे मूव करेगा, स्टार्ट करेगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज साइड्स। ठीक है, इस तरह मूव करेगा तो उसके शोल्डर की जो है वो मूवमेंट थोड़ी थोड़ी होगी। इस पर ये ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास फ्रोजन स्टेज आ जाता है, जिसमें हमारे पास स्टिफनेस होती है। ठीक है, अब पेन और स्वेलिंग कम होगी। ठीक है, इसने ईयर्स लें, काफ़ी ईयर्स लें जो है ना वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद फ्रोजन स्टेज आ जाए तो उसमें रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज हो सकती है, या फिर मोबिलाइजेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, आमतौर पे जब ट्रीटमेंट हो ना फ्रोजन शोल्डर का, तो मोबिलाइजेशन डायरेक्ट अप्लाई कर दी जाती है, नॉट अ गुड स्टेप। ठीक है, मोबिलाइजेशन डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते आप, उसको पहले इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। तो स्टेज जो थ्री है ना रिकवरी, उसमें आप कर सकते हैं एक्टिव एक्सरसाइज। आप रिकवरी हो चुकी हुई है, स्टिफनेस नहीं रही है, आप पेशेंट मूव कर सकते हैं, पर इतनी भी मूवमेंट एकदम आप उसको नहीं करवा सकते। पर हाँ, एक्टिव एक्सरसाइजेस वो आसानी से परफॉर्म कर सकता है, स्ट्रेंथिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वो परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि वो रिकवर हो गया, ताकि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ की तरफ, ADL की तरफ चलता जाए। ठीक है, ये हमारे पास थे ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेजेस। ठीक है, अब आई होप सो कि आपको पता होगा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, मोबिलाइजेशन, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे अंदर जाऊंगी मैं आपको बेसिक एक्सरसाइज ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, टाइम शॉर्ट है और मटेरियल बहुत ज़्यादा है मेरे। अब कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल शोल्डर हमारे पास फ्रोजन शोल्डर की तरफ चला जाता है। ठीक है, मैं आपको जो है ना वो कोल्ड पैक भी दिखाऊंगी, कोल्ड पैक लेके आए ऊपर से। ठीक है, कोल्ड पैक भी दिखा दूंगी मैं आपको कैसे आपने लगाना है। अब मिस्टेक्स जो करते हैं, जो नॉर्मल शोल्डर हुआ ना, ठीक है, ट्रॉमा, जर्क, स्पॉट इंजरी की वजह से नॉर्मल हुआ, फाइबर स्टीयर हुए, ठीक है, फाइबर स्टीयर हो गए, आमतौर पे आप लोगों ने आपको स्पॉट को इंजरी हो गई, ठीक है, ट्रॉमा हो गया, जर्क की वजह से आपकी कोई यहाँ से फाइबर स्टीयर हो गई। अब उसमें क्या किया जाए, उसमें रेस्ट किया जाए और आइसिंग की जाए। ठीक है, लेकिन पेशेंट क्या करते हैं, मूवमेंट रखते हैं, जी खेलना है, अगर कोई स्पॉट मैन है ना, मैंने खेलना है, मैं इसको हिलाऊंगा तो ये हिलेगा, वरना इसने मूव नहीं करना, इसने यहीं रह जाना, वो बहुत गलत बात है। आपको उस पॉइंट पर रेस्ट करना है और आइसिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, फिर ही आप प्रॉपरली जो है वो प्रिपेयर्ड हो सकते हैं फॉर प्लेइंग या फिर अपनी भी किसी एक्टिविटी के लिए। ठीक है, आपने उसको वो फ्रोजन शोल्डर नहीं होता तो आपके पास ये कोल्ड पैक होता है। ठीक है, ये कोल्ड पैक, ये हॉट एंड कोल्ड पैक है, 2-in-1 है। ये कोल्ड पैक आपने फ्रीजर में रख दिया, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए ये कोल्ड हो जाएगा। अब जहाँ पे आपको फाइबर टीयर्स हुए वहाँ पे आप इसको अप्लाई करें इस तरह। ठीक है, इस तरह अप्लाई कर दे। इसके साथ ना एक बैग भी आमतौर पे अगर आप लेना चाहें ना, बैग ले लें, बैग में डाल के शोल्डर में डाल लें, तो वो आपके पास पीछे या आगे की तरफ को जहाँ को आप रखना चाहते हैं वहाँ पे रख दें, तो आपको जो है ना वहाँ पे जो कोल्डिंग इफेक्ट है ना वो मिलता रहेगा, तो इन्फ्लामेशन की वजह से जो पेन है ना उससे आप लोग बच सकते हैं ईजीली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नॉर्मल शोल्डर था, फाइबर टीयर्स हुए, रेस्ट करे, आइसिंग करे, ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, मूवमेंट करनी है, मूवमेंट कहीं लॉस्ट ना हो जाए हमारी। हम उसको नॉर्मल शोल्डर को कन्वर्ट कर देते हैं फ्रोजन शोल्डर में, पेन हुई शोल्डर में,
मतलब कि इतनी ज़्यादा पेन, फाइबर्स टियर नहीं थे, इन्फ्लामेशन हमने मूवमेंट करवा करवा के रिपीटेड स्ट्रेन की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाए। जब इन्फ्लामेशन स्टार्ट होने लग पड़ेगी तो रेंज क्या होने लग पड़ेगी, कम होने लग पड़ेगी। जब रेंज कम होने लग पड़ेगी तो शोल्डर ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा, हमारे पास फ्रोजन शोल्डर में चला जाएगा। ठीक है, ये पहली मिस्टेक आ गई। दूसरी मिस्टेक आ जा, इसलिए कहते हैं कि किसी मिथ पे यकीन ना करें जब तक आपको पता हो ना वो मिथ कामयाब है कि नहीं कामयाब है। ठीक है, आप लोग किसी से मशवरा ले लिया करें। ठीक है, मशवरा लेने के बाद 2-3 बंदों से मशवरा ले लिया, ठीक है, फिर आप जो है ना वो कुछ आजमाया करें। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास आ जाता है ना, दूसरा जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो ये आती है, पर्टिकुलर पोस्टर। जैसे मैंने आपको बताया, एक जगह बैठे बैठे रहेंगे, ठीक है, ऐसे बैठे बैठे रहेंगे, यही पोजीशन होगी। इस तरह हमने इसको बेंड किया हुआ है, ऐसे बैठे हैं ऐसे बैठे रहेंगे, ठीक है, लेटे हैं ऐसे, हाथ रख के सर पे ऐसे लेटे रहेंगे। ठीक है, मतलब हम जिस पोजीशन पे बैठे हैं उसी पोजीशन पे बैठे रहेंगे, साइड को लेटे हुए साइड को लेटे रहेंगे। हमने मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना, साइड लिंग में मोबाइल यूज हो रहा है जी, मोबाइल पर ध्यान है, पता नहीं है कि क्या हम बॉडी का पोस्टर कौन सा रख के बैठे, पूरी बॉडी वेट एक जगह पर डाल के बैठे हुए। फिर इम्प्रॉपर एक्सरसाइज, तीसरी मिस्टेक, इम्प्रॉपर एक्सरसाइज जी। इम्प्रॉपर एक्सरसाइज में डायरेक्ट मोबिलाइजेशन अप्लाई कर दो और पेन निकल आए और दर्द निकल आए। मोबिलाइजेशन डायरेक्ट अप्लाई कभी नहीं की जाती, ठीक है। आप पहले उसकी रेंज ऑफ मोशन को चेक करें कि उसको आया कि पेन आ रही, कहाँ पे आ रही, किस वजह से आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ग्रेड वाइज ट्रीटमेंट करें। अगर आप पहले ग्रेडिंग कर लें, ग्रेडिंग के बाद आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। ग्रेडिंग से पहले आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्लीपिंग पोस्टर आ जाते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग स्लीपिंग पोस्टर्स। अब मैं जो बताऊंगी उसमें से बहुत सारे आप सारे ऐसे होंगे जो ऐसे ही सोते होंगे, ठीक है, और मैं भी इसी तरह सोती होंगी, आप भी इसी तरह सोते होंगे। तो अब देखते हैं पहले हमारे पास स्लीपिंग पोस्टर किस तरह आ जाता है। पहले आता है कि आप सीधा लेटते हैं, ठीक है, और अपने बाजू को सर के नीचे रख लेते हैं, ठीक है। इस तरह आपने बाजू को सर के नीचे रख लिया और यूं करके आप लेट गए। समझ आई कि आप सीधा लेटते हैं, बाजू को बेंड किया और सर के नीचे रख लिया, ठीक है। जैसे आप सर के नीचे उसे रखते हैं ना, तो आपके क्लेविकल पे सारा वजन आना स्टार्ट होने लग पड़ता है। उस आपके शोल्डर जो है वो एक्सट्रीम रेंज पे चला जाता है। एक्सट्रीम रेंज पे जाने की वजह से जब आप सुबह उठते हैं ना, तो आपको हाथों पे ना टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशन होती है, सुइयाँ चुभ रही हैं, हाथ पांव सो रहे हैं, हाथ सो रहे हैं, ठीक है, हाथ पांव सो रहे, सोने को जो वर्ड, टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। वो किसकी वजह से है जी, पूरी रात हम सीधा लेटे थे, सीधा लेटने की वजह से हमने सर के नीचे ऐसे रखा हुआ था और ये हमारी एक्सट्रीम रेंज शोल्डर की हुई थी, ठीक है। तो उस वजह से हमारे पास जी सुबह टिंगलिंग नमनेस आनी स्टार्ट होगी। एक ये पोस्टर हो गया जो कि रॉन्ग वे है सोने का। दूसरा आ जाता है हमारे पास कि हम साइड पे सोते हैं, ठीक है। जब हम साइड पे सोते हैं तो पिल्लो जो होता है ना सर के नीचे, उस पिल्लो को तो सर के नीचे रखते हैं, पर पिल्लो के नीचे अपना हाथ भी रख लेते हैं। मैं कहूँ कि ये मेरे पास पिल्लो है ना, ये मैंने इसके नीचे पिल्लो रखा है, ठीक है, इसके नीचे अपना हाथ भी रख लिया। समझ आ गई, पिल्लो के नीचे हाथ रख लेते हैं, वो फिर शोल्डर एक्सट्रीम रेंज पे चला गया, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन में चला गया आपके पास। प्रेशर सारा कहाँ पे आ गया, ह्यूमरस हेड पे आ गया आपके पास, और क्या कहते हैं, नर्व्स कंप्रेस्ड और कंप्रोमाइज होना स्टार्ट होने लग पड़ती है, और हमारे यहाँ पे जो मसल्स है अराउंड द चेस्ट वो स्ट्रेच होने लग पड़ते हैं, जिसकी वजह से फिर हाथ वगैरह सोना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट हैं उन लोगों को ऐसे नहीं सोना चाहिए। दूसरा पोस्टर मैं आपको बता रही हूँ, तीसरा पोस्टर हमारे पास आ जाता है, साइड पे हम लेटते हैं, ठीक है, बाजू फोल्ड करके इस तरह करके ना यूं साइड पे लेटे होते हैं, और ये वाला बाजू भी यूं हमारा हुआ होता है, दोनों बाजू हमारे पास इस तरह होते हैं, और इसकी वजह से हमारे पास जो कैप्सूल होता है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट होने लग पड़ता है। एक दोनों शोल्डर ही फोल्ड है ना, दोनों शोल्डर फोल्ड होंगे, एक्सिस क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। जब एक्सिस डिस्टर्ब होगा, क्योंकि हमारे पास एक्सट्रीम एक्सटर्नल रोटेशन हुई हुई है शोल्डर की, ये देखिए एक्सिस क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। जब एक्सिस डिस्टर्ब होगा तो फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, और जिनको फ्रोजन शोल्डर है उनको ज़्यादा पेन होगी। तो ये वाला एक स्लीपिंग पोस्चर आ गया। जो चौथा है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप में से जो मेजर है ना वो इसी तरह सोते होंगे, उल्टा स्टमक, उल्टा सोना। बहुत सारी यंग जनरेशन उल्टा सोती है, 70-80% यंग जनरेशन उल्टा सोना पसंद करती है, ठीक है जी। बेड पे छलांग मारी और उल्टा लेट गए, इसी तरह होता है ना। तो अब जब आप उल्टा लेटते हैं ना,
और अगर आप में से कौन कौन है जो उल्टा लेटता है, पहले मुझे ये बताएं। पहला क्वेश्चन मेरा ये, आप में से कौन कौन उल्टा लेटता है। बाद में मेरे क्वेश्चंस ये हैं कि आप में से हेडेक, सर दर्द और चक्कर किसको आते हैं? चक्कर, सर दर्द किसको होता है? उनको ही होगा जो उल्टा ज़्यादा लेटते हैं, ठीक है। नेक पेन भी उनमें कॉमन पाई जा रही होगी जो उल्टा ले। जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको एक टेबल लें, उस पर अपना सर रख के ऐसे जो है ना उल्टा लेके सर पे यूं रखें, ठीक है, यूं आप रखेंगे, क्या आप सांस ले सकते हैं उस तरह? नहीं ले सकते हैं आप सांस, ठीक है, नहीं ले पाएंगे आप सांस। तो उल्टा बिल्कुल भी आपने नहीं लेटना है। उल्टा लेटने से आपकी एक तो सांस भी बहुत ज़्यादा जो है वो कम होने, सांस में भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होने लग पड़ती है, उसके साथ साथ आपके पास जो है वो हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, नेक पेन भी होना स्टार्ट हो जाती है, और आपके पास जो मसल्स है ना वो एक तरफ, जब आप उल्टा लेटे हैं ना तो एक तरफ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक तरफ के मसल्स स्ट्रेच होते हैं, ठीक है। तो ये भी उन पेशेंट्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप उल्टा ना लेके लेटे, ठीक है। उसके बाद आ जाए तो व्हाट आर द गुड एंड करेक्ट पोस्चर। अब ये तो वो पोस्चर थे जो हम लोग लेट रहे, सीधा हाथ नीचे रख के, पिलो के नीचे हाथ रख के, साइड पे दोनों हाथ को जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे करके, और उसके बाद हम लोग उल्टा लेट के, ये पोस्चर्स हमारे पास रॉन्ग पोस्चर आ गए फॉर द फ्रोजन शोल्डर पेशेंट या फिर शोल्डर पेन वाले पेशेंट्स के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट आर द गुड एंड बेस्ट पोस्चर फॉर द फ्रोजन शोल्डर पेशेंट एंड शोल्डर पेन जिनको होती है उनके लिए। इसमें आपके पास ये है कि अब क्या है कि मेजर बात आ जाती है कि समटाइम्स आपकी नेक और शोल्डर की पेन ना कुछ मिलती जुलती होती है, वो इस तरह आपके पास होती है कि समटाइम्स ये डिफ्रेंशिएट आपको करना चाहिए कि आपको नेक की वजह से पेन आ रही है, ठीक है, या फिर आपके यानी वो क्या कहने लगी मैं, हाँ, आपको नेक की वजह से पेन आ रही है, शोल्डर की, शोल्डर में जो है उसकी वजह से पेन आ रही है, ये आपको देखना पड़ता है, ठीक है। अगर आपकी मोशन आप कुछ कर रहे हैं, लाइक आप मूवमेंट कर रहे हैं, उसमें आपके पास लिमिटेशन आती है, तो इसका मतलब शोल्डर की वजह से आपके पास आ रही है, ठीक है। अगर आपके पास जो है पेन नेक की तरफ से आ रही है, तो आप नेक की मूवमेंट्स करके देख सकते हैं, नेक की तरफ से भी आपको पता चल जाता है कि हाँ हो सकता है मेरी नेक की तरफ से पेन आनी जो है वो स्टार्ट हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर अब यहाँ पे एक रोल तो स्लीपिंग पोस्चर का है, दूसरा रोल हमारे पास पिल्लो का भी है, ठीक है। तो पिल्लो आपने अकॉर्डिंग टू अपने नेक और शोल्डर की स्पेस के अकॉर्डिंगली जो है वो सिलेक्ट करना होता है। ये आपके पास, अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हूँ ना, अगर खड़ी हूँ, ठीक है, तो ये सपोज करें कि मैं खड़ी हूँ, तो ये जो मेरे पास स्पेस है ना नेक और शोल्डर की, इसके अकॉर्डिंगली आपके पास पिल्लो आपका होना चाहिए। अगर आप दो पिल्लो लेके सोते हैं ना, तो आप फॉरवर्ड पोजीशन में सोते हैं, जो गलत है। अगर आप पिल्लो नहीं लेते, तो आप जब बेड पे लेते हैं, आपका गर्दन ऐसे नीचे को गई होती है, ठीक है। आप सारे मुझसे एग्री करेंगे, जब आप दो पिल्लो लेते हैं ना, ठीक है, एक पिल्लो नीचे रखा, दूसरा पिल्लो, तो आप पिल्लो को ऐसे टाइट करके जब सोते हैं, ठीक है, तो आपकी जो पोस्चर होता है वो फॉरवर्ड होता है, ठीक है। जब आप कोई पिल्लो नहीं लेते, आपकी गर्दन नीचे को गई होती है, ठीक है। आप जब दो पिल्लो सर के नीचे रख लेते, तब आपका पोस्चर बिल्कुल ऐसे आगे को आया होता है, ठीक है। अब ऐसे वाला पोस्चर अच्छा है या बिल्कुल ऐसे वाला पोस्चर अच्छा है, जो एक अलाइनमेंट दे रहा है, एक एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपने देखनी है। अब आपके पास आ जाता है कि आप किस तरह लेटें। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है, शोल्डर पेन है, आप सीधा सोएं। अगर आपको सीधा सोना है, एल्बो के नीचे कोई भी आप जो है ना वो पिल्लो या फिर टावल या फिर आप ऐसी चीज़ रख लें जो उसको सपोर्ट दे, जो आपके पास फ्रोजन शोल्डर है, ताकि वो आपके पास जो है ना वो बेंड ना हो। बेंड होने की वजह से कैप्सूल टाइट होता है, उसकी वजह से ज़्यादा पेन आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप उसके नीचे कोई टॉवल वगैरह रख लें, ठीक है। जब आप टॉवल रखेंगे ना, तो शोल्डर एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी आपके पास, ठीक है, और टेंडन भी खींचा नहीं जाएगा। जब टेंडन भी खींचा नहीं जाएगा, तो आपको कैप्सूल आपका टाइट नहीं होगा, आपको वहां पे क्या पेन भी नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप टॉवल तो कैप्सूल के ऊपर स्ट्रेच, जाहिर सी बात है, आप जब बेड पे लेटेंगे, बाजू को यूं फेंक के लेटेंगे, तो उसकी वजह से स्ट्रेच आएगा कैप्सूल में, तो ज़्यादा पेन होने लग पड़ेगी। फिर पेशेंट को पेशेंट यही करता है कि रात के बाद बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये वाली कुछ चीज़ें जो आपने रखी। दूसरा ये आ जाता है, अगर आप लेफ्ट पे सोना चाहते हो और आपको फ्रोजन शोल्डर, अगर लेफ्ट साइड का फ्रोजन शोल्डर, तो आप राइट पे सोएं, अगर राइट साइड का तो आप लेफ्ट पे सोएं, ये एहतियात करें। अगर आपको जहाँ पे दर्द है उसको ही नीचे देके सो जाएंगे, पूरा बॉडी वेट उस पे होगा, तो अगले दिन ज़्यादा ही आपको पेन आएगी, कम तो पेन नहीं होगी, ठीक है। तो जब आप, अगर आपको लेफ्ट साइड पे पेन है, लेफ्ट साइड पे आपका फ्रोजन शोल्डर है, तो आप राइट साइड पे सोएं, और जब आप सोएं ना, तो जो लेफ्ट साइड वाला आर्म है ना, उसके आर्मपिट के नीचे पिल्लो दे लें, ठीक है। जब आप पिल्लो देंगे ना,
तो एक तो आपका बाजू वहां पे क्या हो जाएगा, स्पॉटेड हो जाएगा, और आप बाजू आपके पास स्पॉटेड होगा, कोई प्रेशर नहीं डाल रहा होगा, जिसकी वजह से कैप्सूल पर कोई भी स्ट्रेचिंग पावर नहीं आ रही होगी, तो वो आराम से वहां पे स्पॉटेड होगा। अब आपके पास क्या था, जब आप फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट आप लेटे हैं ना, तो आप पिल्लो के दरमियान में मत लेटे, पिल्लो से थोड़ा सा एंड वाली साइड पे, जैसे सपोज ये पिल्लो है, इस साइड पे आप लेटे हैं, और जो आपके पास फ्रोजन शोल्डर वाला है ना, जो आपके पास सॉरी जो बिल्कुल ठीक शोल्डर है, वो आप उसके ऊपर रख लें, स्पॉटेड हो जाएगा। ठीक है, सपोज अगर मैं दिखाऊं कि मेरे पास ये है ना, ये वाला मेरे पास शोल्डर, सॉरी ये मेरे पास पिल्लो है, ठीक है, इस पिल्लो की इस साइड पे मैं ऐसे सर रखती हूँ, तो ये वाला बाजू इसके ऊपर स्पॉटेड हो जाएगा, और दूसरा पिल्लो मैंने जो है वो फ्रोजन शोल्डर वाली साइड पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, पिल्लो से स्पॉटेड होगा और मेरे पास ज़्यादा जो है वो स्ट्रेच नहीं पड़ेगा, तो ज़्यादा पेन नहीं आएगी। एक ये हमारे पास है, क्योंकि जो ग्रेविटी है ना वो क्या करती है, कैप्सूल को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, जिसकी वजह से कैप्सूल जो है ना वो ज़्यादा नीचे की तरफ को चिपकता टाइप, इस तरह तक ग्रेविटी की फोर्स होती है उस पर। तो अगर पिल्लो से हम स्पॉट ले लेंगे तो हमारा ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउ टू सेलेक्ट राइट पिलो। आप राइट पिलो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जब पिल्लो लेने जाएं, कोई सा भी पिल्लो अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो आप वो पिल्लो इस्तेमाल ना करें, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा पिल्लो जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो जब आप पिल्लो लेने जाएं तो आपको पता होना चाहिए है कि पिल्लो कौन सा यूज़ करना है, आपके लिए कौन सा पिल्लो जो है वो अच्छा है। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि विच पिल्लो इज़ सूटेबल फॉर यू। अब ये पेशेंट वो भी ले सक देखने जाए, ये सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं, ये आप सबके लिए भी है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाने लगी हूँ, इस वजह से मैंने नीचे किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। आपने क्या करना है, खड़े होना है, ये आपने पेशेंट को कहना है कि पेशेंट या फिर आप पिल्लो लेने गए हैं ना जहाँ पे भी, आपने वहां पे क्या कहना है कि आप यहाँ पे खड़े हो जाए बिल्कुल। ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा है ये एक साइड वाला जो बाजू है ना, वो आपने वॉल के साथ जोड़ देना, पांव भी जोड़ देना, हाँ बिल्कुल सीधा खड़े होना है। अब देखिए ये गैप है, ठीक है, वॉल वाली साइड पे भी ये वाला गैप है। ठीक है, आपने यहाँ पे पिल्लो रखने स्टार्ट करने हैं। ठीक है, अगर आप पिल्लो रखते हैं वो आपके ईयर को टच नहीं करता, इट्स मीन वो आपकी हाइट के लिए वो वाला पिल्लो सूटेबल नहीं है। ठीक है, आप दूसरा पिल्लो ट्राई करते हैं, जब आप दूसरा पिल्लो यहाँ पे रखते हैं वो, सपोज मैंने ये पिल्लो रखा तो वो आपके ईयर को टच करता है, इट्स मीन कि आप ऐसा पिल्लो लेंगे तो आप जिस भी पोजीशन में उसको नेक को मूव करेंगे, ना आपको नेक पेन आएगी, ना आपको फ्रोजन शोल्डर में कोई भी प्रॉब्लम होगी, ना आपको शोल्डर पेन होगी। ठीक है, पिल्लो भी बहुत अच्छा सिलेक्ट आपको करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एंगल बिटवीन द नेक एंड शोल्डर। ठीक है, वो पिल्लो लें जो आपके ईयर को टच करता हो। ठीक है, अब मैंने एक पिल्लो रखा उसके ईयर को टच नहीं कर रहा। ठीक है, ये पिल्लो की हाइट और ये पिल्लो तो सूटेबल नहीं है इसकी हाइट के अकॉर्डिंगली, तो मैंने दूसरा पिल्लो रखा तो वो इसके ईयर को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ तक होप्स आपको समझ आ गई होगी, इस तरह आप पिल्लो की सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है कि कुछ इजी होम एक्सरसाइजेस, मैं आपको बता दूं, लाइक COVID-19 चल रहा है तो हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हम बाहर नहीं जा सकते तो हम घर में ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि आपके पास सूटेबल है फ्रोजन शोल्डर के लिए, शोल्डर पेन के लिए, ताकि आप घर में रह के उस पेन से जो है वो बच सके। ठीक है, तो अब हमारे पास होम एक्सरसाइजेस आती है, जिसमें सबसे पहले फिंगर लेडर एक्सरसाइज आ जाती है, फिंगर लेडर एक्सरसाइज, फिर साइड लिफ्ट एक्सरसाइज आ जाती है, हैंड रोटेशन आ जाती हैं। ठीक है, ये सारी हमारे पास कुछ एक्सरसाइज आ जाती है जो कि होम में की जा सकती है। मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, मैं आपको डेमोस्ट्रेशन भी दिखाऊंगी, मैं आपको लिखा हुआ भी सब कुछ प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहला जो इजी हम लोग पेशेंट को कहते हैं ना, जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज, एक तो पेंडुलम एक्सरसाइज मैंने आपको करके बता दी कि किस तरह की जाती है। अगर मैं फिंगर लेडर एक्सरसाइज की बात करूँ ना, तो फिंगर लेडर एक्सरसाइज में मैं पेशेंट को कहूंगी कि वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो। ठीक है, जब वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होगा ना, तो हमारे पास उसको मैं कहूंगी फिंगर की तरह सीढ़ी बनानी है। ठीक है, लाइक इस तरह करते हुए उसने ऊपर को जाना है, और कोशिश कीजिएगा ये ज्यादा बेंड ना हो। ठीक है, अगर बेंड होगा तो पेन आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो इसे कहूंगी लेडर की तरफ वन फिंगर करके ऊपर लेके जाए, और ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे आती जाए, जैसे जैसे ऊपर जाए जाते, तो अब इसको पता चल जाएगा कि मेरी शोल्डर की कितनी रेंज है, मैं कहाँ तक लेके जा सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह इसको आपने 10-15 टाइम्स रिपीट करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास
पेंडुलम एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आप कर सकते हैं। उसके साथ ये है कि अगर आप देखते हैं ना एबडक्शन सही तरह नहीं हो सकती, तो आप यहाँ पे एक टॉवल रखिए, स्कोर्स करेंगे, मेरा टॉवल है ठीक है, बिल्कुल सीधा ये टॉवल है ठीक है। अब आपने इसको अपनी फोर से ऊपर को लेके जाएगी, फोर से ऊपर को लेके जाएगी टॉवल को ठीक है, फिर इस तरह ही नीचे आएगी। जैसे जैसे टॉवल को ऊपर लेके जाएगी ठीक है, ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा साइड पे, और अगर तो उसे बैक पेन है, पेशेंट को आपने चेक कर लेना, अगर बैक पेन है तो आपने थोड़ा सा इस नी को आगे करके थोड़ा सा बेंड नहीं होना, बल्कि थोड़ी सी पोजीशन यूं कर लेनी है कि उसको बैक पेन जो है वो इंक्रीज ना होने लग पड़े। और फिर आपने बिल्कुल स्ट्रेट बाजू को बिल्कुल स्ट्रेट रख के, इधर को आ जाओ ताकि नजर आए, बाजू को बिल्कुल स्ट्रेट रख के ये टॉवल था, इस टॉवल को आपने ऊपर लेके जाना है और फिर आराम से उसी पोजीशन से नीचे लेके आना है। ये एब्डक्शन के लिए बहुत अच्छा। उसके बाद आप इसी तरह बिल्कुल सीधे पे कर सकते हैं, ये टॉवल है, अब आपने इसको ऊपर लेके जाना है, बाजू बिल्कुल सीधा रखना है ठीक है, ये इस तरह, और फिर इसी तरह नीचे लेके आ सकते हैं आप ठीक है। तीसरा आपके पास आ जाता है कि आप अगर आप क्या कहते हैं दुपट्टा हो या फिर कोई भी मेरे पास बैंड हो, तो जो एक ये अगर मेरे पास इफेक्टिव है या अनइफेक्टिव है, तो मैं इसको ऊपर से कहूँगी कि ये पीछे से जो है ना वो थेरा बैंड हो ठीक है, थेरा बैंड डिफरेंट एजेस में मिल जाते हैं, उसको पकड़े ठीक है, और वहाँ से जो इफेक्टिव है ना, अब एक्सटर्नल रोटेशन भी नहीं हो पा रही थी ना पीछे को, बैक को वो टच नहीं कर पाता, तो वहाँ से पकड़े और इसको ऐसे और ऐसे मूवमेंट करवानी, ऐसे और ऐसे मूवमेंट करवानी ठीक है। तो ये वाली मूवमेंट भी हमारे पास हो सकती है थेरा बैंड से ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें ये वाली मूवमेंट आप तब करें जब इन्फ्लामेशन और पेन क्या हो जाए आपके पास कम हो जाए ठीक है। तो ये मेरे पास सारा था, मैं आपको जल्दी से पिक्चर्स दिखा देती हूँ। होप सो कि आप सबको इंजॉय भी कर रहे होंगे और आप सबको मजा भी आ रहा होगा, तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ। आप बॉल जिम बॉल के जरिए भी कर सकते हैं, टॉवल के जरिए भी कर सकते हैं ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ आप जो आपके पास सूटेबल चीज़ है ना वही यूज़ करें, आपको कहीं जाना ना पड़े, इस वजह से मैं वही चीज़ बताती हूँ जो आप घर में इजीली कर सकते हैं। बेसिकली आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन मोस्ट वेलकम। आई एम अ स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन द सेमेस्टर ऑफ सिक्स सेमेस्टर यानी थर्ड ईयर में मैं पढ़ रही हूँ, तो अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसे लगे कहीं पे आप करेक्शन करना चाहे, यू गाइस कैन इजीली करेक्ट मी, मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी और बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन के बाद ये चीज़ आपके सामने रखी है ताकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना जा सके। ओके सो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे पास कौन कौन सी एक्सरसाइज है, जल्दी से करेंगे एज टाइम आई थिंक सो कि हमारा ओवर होने लगा है, तो फिर मुझे आपके साथ कुछ क्वेश्चन भी जो है ना वो करने हैं। ओके सो ओके आप ये देख रहे हैं पेंडुलम स्ट्रेच, ये आपके पास पेंडुलम स्ट्रेच है, ये देखें जरा, इस तरह आप पेंडुलम स्ट्रेच कर सकते हैं ठीक है। ये आपके पास पेंडुलम स्ट्रेच है ठीक, उसके बाद कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी मैंने सोचा आपको साथ साथ दिखाती जाऊँ। हाँ आप पैसिव मूवमेंट्स करवा सकते हैं, पर वो उसमें ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि आप पैसिव भी कराते हैं तो उसको दर्द होती है। ये आपके पास फिंगर वॉक, अभी हमने करके दिखाई फिंगर वॉक, ये आपके पास पेंडुलम और फिंगर वॉक दोबारा से, ये देखिए ये आपके पास टॉवल स्ट्रेच है, टॉवल स्ट्रेच ठीक है, ये तब करें इन्फ्लेमेशन खत्म हो चुकी है, पेन खत्म हो, स्टिफनेस की वजह से हो, तब आप ये करें ठीक है। अब ये जो उसका जो ये वाला है ना, ये इफेक्टिव या अनइफेक्टिव आर्म है, ये इफेक्टिव आर्म है ठीक है, तो एक्सटर्नल रोटेशन वो नहीं कर सकता, बैक को टच करना उसके लिए मुश्किल होता है, कंघी करना मुश्किल होता है ठीक है, कपड़े पहनना मुश्किल हो रहा है, ओवर कोट पीछे से पहना है, कोट पहना तो उसमें मुश्किल आ रही है, तो इस तरह मूवमेंट करवानी है इसकी ठीक है। ये देखिए ये इसको मूवमेंट करवाते हुए, ये इसको मूवमेंट करवा रहा है, ये देखिए इस तरह ऊपर नीचे ठीक है, ताकि उसकी जो स्टिफनेस मूवमेंट में आई है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इनवर्ड रोटेशन, ये आपने स्लिंग ये आपने साथ लगा लिया बैंड ठीक है किसी भी डोर के साथ, और फिर उसको जो है ना इनवर्ड रोटेशन करवानी है, लेके जाना है फिर छोड़ना है 10 to 50 टाइम्स, ये आप करवाएं। ये देखें ये करते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये हमारे पास आ जाता है आउटवर्ड रोटेशन, आउटवर्ड रोटेशन इस तरह करवाते हैं हम लोग
रबर एक्सरसाइज बैंड को हमने पकड़ लेना है अपनी दोनों एल्बोज के दरमियान में, और फिर उसको जो है ना वो क्लॉज लेके आना है साइड्स के, और फिर रोटेट करना है लोअर पार्ट ऑफ इफेक्टिव आर्म को आउटवर्ड 2 or 3 inches, ठीक है? 10 to 15 times आपने करवाना है। फिर आपके पास आ जाता है क्रॉस बॉडी रीच, ठीक है? क्रॉस बॉडी रीच भी करवा सकते हैं। आपके पास जो इफेक्टिव आर्म है ना, जो आपके पास इफेक्टिव आर्म है, ठीक है, उसको आपने लेके जाना है जो आपके पास अनइफेक्टिव आर्म है उसके जरिए। इसको कहते हैं क्रॉस बॉडी रीच। ये देखें, ये क्रॉस बॉडी रीच, या 50 to 20 seconds या 10 to 20 times पर डे करवा सकते हैं, ठीक है? ये देखें, ये आपके पास टॉवल्स के जरिए करते हुए, ये जिम बॉल के जरिए, जिम बॉल पे ऐसे हाथ रखे उन्होंने और इसको ऐसे लेके जाएंगे और फिर आराम से वापस लेके आएंगे, ठीक है? ये आपके पास ये आ गया, ये आपके पास इजी होम एक्सरसाइज है जो आप घर में भी करवा सकते हैं, आपको किसी फिजिकल सेंटर में नहीं जाना पड़ता है, ठीक है? तो ये हमारे पास है। मिस्टर सुहेल रजा, आई एम ऑलरेडी टोल्ड अबाउट के हमारे पास फ्रोजन शोल्डर स्टेज वाइज ट्रीटमेंट किया, उसके साथ साथ मैंने डेमोन्स्ट्रेशन भी देती रही हूँ कि हमारे पास अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो उसमें हमें स्पेंडुलम एक्सरसाइज से आगे नहीं जाना चाहिए है। सेकेंड है तो रेंज ऑफ मोशन हमारे पास लिमिटेड हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए हमें। और हमारे पास थर्ड में जो है वो फिर स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवानी चाहिए है। तो आप जब दोबारा वीडियो देखेंगे तो यू विल फाइंड योर ऑल आंसर्स। तो ये हमारे पास सारा था इजी होम एक्सरसाइजेस भी मैंने आपको बता दी, जो एक्सरसाइजेस आप आराम से कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आए हैं मेरे पास, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती चलूं और बताती चलूं कि उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनको फ्रोजन शोल्डर ही क्यों ज़्यादा होता है, लाइक उनके शोल्डर पे, शोल्डर जॉइंट पे अटैक ही क्यों होता है और उनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम क्यों आती है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारे पास डायबिटीज़ वाले हैं ना, जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनके मसल्स में, उनके टेंडन्स में हमारे पास जो है ना वो पाया जाता है कोलेजन फाइबर्स, ठीक है? कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन्स और मसल्स में पाए जाते हैं आपके पास कोलेजन फाइबर्स। वो कोलेजन फाइबर्स वहाँ पे गम की तरह चिपकने लगते हैं, ठीक है? वो गम की तरह वहाँ पे जो है वो चिपकने लगते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट में हिंड्रेंस आ जाती है, मूवमेंट सही तरह परफॉर्म नहीं हो सकती। उस हिंड्रेंस की वजह से आपके पास क्या होने लग पड़ता है कि आपके पास कैप्सूल थिक होने लग पड़ता है और टाइट होने लग पड़ता है, ठीक है? और मूवमेंट जब आप मूवमेंट करवाते हैं ना तो आपके पास वहाँ पे क्या आना स्टार्ट होने लग पड़ता है, मूवमेंट इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट होने लग पड़ती है, ठीक है? जब इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट होने लग पड़ती है आपके पास, तो ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसीजर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कोलेजन फाइबर्स आपके पास जो है वो जाके हमारे पास जो शोल्डर जॉइंट है ना वहाँ पे लुब्रिकेशन होता है, फ्लूड, थिन फ्लूड होता है, ठीक है? उसमें जाके वो जो शुगर के क्रिस्टल्स है जाके जमा होने लग पड़ते हैं। अगर मैं ऐसे बात करूँ, मेरे पास पानी है, ठीक है, जो पानी में मैं चीनी डालती जाऊँ, उसकी चाशनी बना लूँ, ठीक है, इसी तरह जो शोल्डर जॉइंट में लुब्रिकेशन पाई जाती है ना, लुब्रिकेशन टाइप, उसको उसमें जाके शुगर क्रिस्टल्स जो होते हैं ना जाके जमना स्टार्ट होने लग पड़ते हैं, गम की तरह जब वो जमना स्टार्ट होने लग पड़ते हैं ना तो वो फंस जाते हैं वहाँ पे, निकल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो फ्रोजन शोल्डर डायबिटीज़ के पेशेंट है ना उसमें फ्रोजन शोल्डर बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है, ठीक है? तो उसकी वजह से फ्रिक्शन, अब जाहिर सी बात है जब उस लुब्रिकेशन में जाके हमारे पास क्रिस्टल्स फंसना स्टार्ट करने लग पड़ेंगे तो हमारे पास वहाँ पे क्या होने लग पड़ेगा, हमारे पास वहाँ पे जाके इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, जब चीज़ आपस में रगड़ खाएगी तो उसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे टीयर होगा, फाइब्रोसिस होगा, उसकी वजह से हमारे पास जो है वो आ सकती है पेन। फिर हमारे पास इस डायबिटीज़ पेशेंट को क्या करना चाहिए, उसके अपनी रोज़ाना रेंजेस को चेक करना चाहिए, अपनी रेंजेस को वो चेक रखेगा, ठीक है, तो वो आपके पास जो है ना ठीक रह सकता है। अगर वो रेंजेस को डेली तौर पे अपने आप की रेंजेस चेक करता रहे कि हाँ एक्सटर्नल रोटेशन ठीक हो रही है, अब्डक्शन ठीक हो रही है, फ्लेक्शन ठीक हो रही है शोल्डर पे, तो वो बिल्कुल जो है ना वो ठीक रहेगा, उसे फ्रोजन शोल्डर की तरफ नहीं जा सकती, ठीक है? अब मैं आपके और क्वेश्चंस ले रही हूँ।
ओके ठीक है, मैं साथ साथ लैपटॉप पे देख रही हूँ कि आप लोगों के जो जो क्वेश्चंस है ना वो मैं साथ साथ लेती जाऊँ ताकि आप लोगों को समझ आती जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट टाइम पे पेन ही ज़्यादा क्यों आता है? नाइट टाइम पे पेन इसलिए ज़्यादा आता है कि डे टाइम पे आप वर्किंग करते रहते हैं, ठीक है। जब आप वर्किंग करते रहते हैं ना तो आपका जो शोल्डर होता है ना वो यूज़ होता रहता है, ठीक है, शोल्डर जॉइंट उसके मसल्स यूज़ होते रहेंगे। और जब आप डे टाइम में वर्किंग कर रहे होते हैं ना तो आपके पास जो शोल्डर जॉइंट होता है ना वो आपके पास वर्टिकल प्लेन में होता है, ठीक है। ये वर्टिकल प्लेन में होता है आपके पास, ग्लेनॉइड कैविटी में जो हेड ह्यूमरस है उसका जो प्लेन होता है वो वर्टिकल होता है। जब आप रात को सोने के लिए लेटते हैं ना तो वो आपके पास हॉरिजेंटल प्लेन में चला जाता है, सारा प्रेशर बैक मसल्स पे चला जाता है, जिसकी वजह से कैप्सूल क्या होने लग पड़ता है, टाइट होने लग पड़ता है। दिन में आपको पता नहीं चलता, दिन में आप काम में लगे रहते हैं, रात को जब आप थक हार के लेटते हैं फिर आपको पेन की जो फीलिंग है, सेंसेशन है, वो ज़्यादा आने लग पड़ती है। फिर डे में आप काम करते हो तो मसल स्टिफनेस जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा हुई होती है, फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है। इन्फ्लामेशन की वजह से हमारे पास इन्फ्लामेशन की वजह से हो जाए इन्फ्लामेशन हो जाएगी वहाँ पे, और फिर हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर्स जो हमारे पास होंगे वो वर्क हमारे पास इतना ज़्यादा मतलब कि करते रहेंगे, जिसकी वजह से एक्टिव रहेंगे मैकेनो रिसेप्टर्स भी, पेन ज़्यादा से ज़्यादा भरती पेन तब लेस हमें फील हो रही होगी, ठीक है, तब हम इतनी पेन नहीं फील होगी क्योंकि हम काम में बिजी होंगे। लेकिन नाइट टाइम में जब मैकेनो रिसेप्टर रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है, लाइक दिन में हम लगे रहे तब पता चलता है, ओहो जी यहाँ पे जी हमें हुई थी इन्फ्लामेशन और यहाँ पे तो सूजन है, अच्छी पेन क्या होने लग पड़ती ज़्यादा, मैकेनो रिसेप्टर्स रिलैक्स हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन फिर अपनी पोजीशन पे उसी तरह मतलब के हावी होने लग पड़। इसका क्योर ये कि आप सोने से पहले ना 10-15 मिनट जो है ना कोल्ड पैक का इस्तेमाल कर ले, ठीक है। आपके पास मेरा कोल्ड पैक जो है वो पानी छोड़ है, कोल्ड पैक जहाँ पे भी आपने लगाना है वहाँ पे लगा लें, ठीक है, और जो है ना लगा के आप थोड़ी देर रिलैक्स में लें, फिर आपको रात में जो है ना वो पेन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना हीट पैड इस्तेमाल मत कीजिए इन्फ्लामेशन में, उसकी वजह से पेन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और कोल्ड पैड की पोजीशन आपने जो है ना वो चेंज करते रहना है। अच्छा, मुझसे किसी ने आई थिंक टेंस के बारे में पूछा था, टेंस शोल्डर फ्रोजन शोल्डर में इस्तेमाल होते हैं अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है, बहुत ज़्यादा पेन है, स्टिफनेस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप ट्रबलिंग आ रही है, आप मूवमेंट नहीं कर सकते शोल्डर को, तो आप लोग जो है ना वो इलेक्ट्रोड पैड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वन ऑफ द शोल्डर पे, ठीक है, प्लेस किए जाते हैं, बैक ऑफ द शोल्डर पे प्लेस किए जाते हैं, टेंस भी यूज़ किया जा सकता है। जब आप फ्रीजिंग स्टेज में हो, फ्रीजिंग स्टेज में आप टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जब आपके पास शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई या फ्रीजिंग स्टेज में है। आमतौर पे जो आपके पास फ्रीजिंग स्टेज है ना उसमें आपके पास पेन बहुत ज़्यादा आती है, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मूव करवाने के लिए थोड़ा बहुत शोल्डर मूव हो जाए, बहुत ज़्यादा पेन है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, बहुत सीरियस हो चुका हुआ है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ही, तो आप फिर जो है ना वो टेंस अप्लाई करके उसको थोड़ी देर के लिए मूव करवा सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास ये क्वेश्चन भी आपके पास हो गया। अच्छा, रेडिएटिंग पेन और शोल्डर पेन कैसे पता चलता है? मैंने आपको बता दिया, शोल्डर पेन जब भी होती है ना लेटर साइड पे ही पेन हमें आती है, ठीक है, जो आर्म तक जाती है हमारे पास, लेटर साइड पे आती है और आर्म तक जाती है, तो हमारे पास जो है ना वो रेस्ट जब हम करते हैं तो रेडिएटिंग पेन हमारे पास ज़्यादा आती है, और जब हम मूवमेंट करते हैं तो शोल्डर पेन हमारे पास ज़्यादा आती है, ठीक है। तो अगर नेक से भी मसले हैं ना तो आप नेक की रेंजेस चेक कर लिया करें, पता चल जाता है। अगर नेक की मूवमेंट के दौरान भी आपको कहीं से लगता है ना कि आपके पेन आ रही है नेक की मूवमेंट करने से, इसका मीन कि नेक से आपको जो है ना ये पेन आके जा रही है। ओके मैं देख रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे ना तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आएगी।
ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स, एप्रिसिएशन, थैंक यू सो मच। अच्छा, डायबिटीज़ को कौन सी एक्सरसाइज करवानी चाहिए? तो डायबिटीज़ का पता होना चाहिए कि आपको कौन सी वाली डायबिटीज़ है, ठीक है? उस लिहाज से एक्सरसाइज परफॉर्म करवाई जाती है आपको। वार्म अप लेवल भी चेक करना है, ठीक है, और बाद में भी आपको कूल डाउन करना है, आपका ब्लड शुगर लेवल चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है, ठीक है? उसके बाद ही हम लोग जो है ना वो एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। आई हैव सिवियर पेन इन माई शोल्डर एंड स्वेलिंग ऑल्सो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन, सो वट कैन आई डू? आपकी अगर मूवमेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है, इसको मैं फ्रोजन शोल्डर का नाम नहीं दे सकती कि आप कंघी कर सकते हैं, कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्शन आ रही है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा, पेन बहुत ज़्यादा है, तो आइस पैक का इस्तेमाल करें, रेस्ट करें और जो चीज़ें बताई हैं उसी तरह उसको अप्लाई करें, वो एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करें, उससे अगर आपको आता है तो आप जो है ना ठीक तरह उसको कर सकते हैं, ठीक है? सो आई थिंक सो के ओवर ऑल द थिंग्स आर क्लियर। मैंने कोशिश की आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकूं, सारी चीज़ें आप लोगों को डिफाइन कर सकूं, सारी बातें बता सकूं। तो आई हैव टोल्ड यू ऑल द थिंग्स, सो अब आप लोग जो है ना वो बता सकते हैं कि आपको सब कुछ क्लियर है, अपने रिमार्क्स दे सकते हैं ऑन द पेज ऑफ HPA एज वेल, और आप इसके साथ साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी अपने रिमार्क्स जो है ना वो दे सकते हैं। आपके रिमार्क्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कुछ समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में छोड़ दें, तो आई विल गिव आंसर्स एज वेल इन कमेंट सेक्शन एज वेल। सो थैंक यू सो मच। और मैंने रेंज स्टेजेस वाइज ट्रीटमेंट बताया, अगर आप उस ट्रीटमेंट अगर आप DPT कर रहे हैं ना तो आप उसको सीखें कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कैसे होंगी, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज कैसे होंगी, स्ट्रेचिंग कैसे होगी, जो दूसरी एक्सरसाइजेज उसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है? बेसिकली ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए है। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन। नाउ आई वुड लाइक टू फिनिश दिस लाइव सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू थैंक टू HPA हेल्थ फिजियो एसोसिएशन एंड थैंक यू सो मच मैम डॉक्टर हलीमा सादिया टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू सो मच टू ऑल माई टीम। अल्लाह हाफिज़।